हेलो, यहाँ पर हम छायावाद का जो आगे प्रश्न चल रहा था उसमें दुखवाद तक पहुंचे थे। यहाँ से हम आगे देखेंगे दुखवाद। तो छायावाद के कवियों ने अपनी कविता में दुखवाद यानी कि दुख निरूपण अधिक मात्रा में किया है। इनकी कवियों ने अपनी कल्पना को सौंदर्य के माध्यम से अपनी कल्पना को सौंदर्य के माध्यम से वर्तमान में जो निराशा प्रवर्तमान थी उनको भुलाने का प्रयास किया है। पंत कहते हैं कि इस संसार से जो भी उब गया है वह पंत कहते हैं कि इस संसार यह जो संसार है वह दुखों से भरा हुआ है। और महादेवी वर्मा दुख को ही सुख मानती है। उन्होंने इसे अपना आराध्य भी बनाया है यानी कि दुख को जीवन में जो दुख पड़ते हैं दुख आते हैं उनको उन्होंने अपने आराध्य बनाया है। दुखवाद के साथ छायावादी कविता में पलायनवाद आ गया था यानी कि कह सकते हैं कि दुख आने पर लोग पलायन हो जाते थे वह भी यहाँ प्रस्तुत किया गया था। मगर वह थोड़े समय के लिए तुरंत इसको दूर करने के प्रयास भी होने लगे और धीरे धीरे उसे दूर भी किया गया। और उसे दूर करने पर आशावाद प्राप्त हुआ। अब रहस्यात्मकता, छायावादी कविताओं में कई कई जगहों पर हमें रहस्यात्मकता के भी दर्शन होते हैं। यहाँ पर प्रकृति चित्रण जो किया जाता था वह प्रकृति चित्रण के आधार पर रहस्यात्मकता यानी कि यहाँ पर यह कहने का प्रयत्न किया गया है कि कोई अज्ञात सत्ता है और इसका आभास हो रहा है। और इस प्रकार एक रहस्यात्मकता यहाँ पर फैली हुई थी और उसकी अभिव्यक्ति भी छायावाद में हो रही थी। जैसे इसके उदाहरण भी हम देखें तो पंत की मौन निमंत्रण और प्रसाद जी की खोलो द्वार जैसी कविताओं में हमें रहस्यवाद सुनाई दे अरे दिखाई पड़ता है, महसूस होता है। तो निराला जी और महादेवी वर्मा जी की कविताओं में भी हमें रहस्यात्मकता का गाढ़ रूप से दिखाई देती है। नेक्स्ट है मानवतावादी दृष्टिकोण। छायावाद मानवीय अनुभूतियों का काव्य है। इनमें करुणा, अब मानवतावादी दृष्टिकोण यानी कि व्यक्ति को वहां पर उन्होंने दुख से बाहर निकालने का प्रयत्न किया यानी छायावादी मानवतावादी दृष्टिकोण में मैत्री, विश्व बंधुत्व ऐसी भावनाओं को प्रकट किया गया और क्षेत्रीय सीमाओं को पार करके विश्वत्व की भावना को यानी कि विश्व को एक बताया गया और एक दृष्टि में देखा गया। नेक्स्ट है नारी गौरव की स्थापना। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो रीति काल में नारी के प्रति जो स्थूल दृष्टिकोण था वह अब बदल गया और यहाँ पर कवियों ने छायावाद में नारी को गौरव प्रदान करने का प्रयत्न किया। और यहाँ इनका कविता
कवियों में हम नाम ले सकते हैं कि पंत जी ने अपने काव्यों में नारी को गौरव प्रदान किया, नारी को पुरुष की सहचरणी यानी कि पुरुष के साथ चलने वाली संगिनी प्रेयसी जैसे रूपों में भी चित्रित किया गया। अब आएगी राष्ट्रीयता एवं संस्कृति प्रेम। यहाँ पर हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में विकसित तो होने के कारण छायावाद राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक रही, क्योंकि इसका जो समय था वह राष्ट्रीय आंदोलन का समय था। अंग्रेजों ने हम पर आधिपत्य किया हुआ था और इसी दौर में यह छायावाद था और इसीलिए हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन का यह दौर था। यहाँ जो कवि थे वे तत्कालीन उस समय में जो महापुरुष थे उनकी मुख्य प्रेरणा से अत्यधिक प्रेरित थे, यानी कि उस समय जो राष्ट्रीयता का दौर था उसमें जो नेता के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते थे उनकी जो प्रेरणा थी जिससे प्रेरित होकर प्रजा कुछ करने का मनोबल प्राप्त करती थी, ऐसे जो महापुरुष थे उनसे प्रेरित होकर यहाँ पर छायावादी कवियों ने कई कविताएं प्रस्तुत की और इसी कारण कह सकते हैं कि इन लोगों ने राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक भावना को महत्व दिया और उन पर काव्य लिखे। यहाँ पर यह हो गई भावगत प्रवृत्तियां। अब हम देखेंगे शिल्पगत प्रवृत्तियां। जिसमें भाषा, प्रतीक विधान, बिंब योजना, लाक्षणिकता, छंद योजना में वैविध्य और अंत में सारांश। यह जिस प्रकार हमने देखा कि भाव पक्ष की ओर से भाव पक्ष की जो प्रवृत्तियां थी उसमें छायावाद समृद्ध था, तो इसी प्रकार शिल्पगत की जो प्रवृत्तियां हैं उसमें भी छायावाद समृद्ध था। यहाँ पर स्वच्छंदता फैली हुई थी छायावाद में, तो स्वच्छंदतावाद था तो स्वच्छंदतावाद के कारण यहाँ सौष्ठवतावादी भी बात रही। यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर लाक्षणिक भाषा का प्रयोग हुआ, यह उनकी दूसरी विशेषता यहाँ पर हम भाषा की बात करेंगे तो भाषा में हम कहेंगे कि अब तक छायावाद में खड़ी बोली को काव्य के लिए अपनाया गया और खड़ी क्योंकि ब्रजभाषा काव्य के लिए अपनाई गई थी, लेकिन यहाँ पर खड़ी बोली को अपनाया गया और खड़ी बोली को अपनाते ही उन्होंने खड़ी बोली को की जो स्थूलता थी अनगढ़ता थी उनको उन्होंने अच्छी तरह परिमार्जित किया और परिमार्जित करके उसे काव्य के योग्य बनाकर काव्य में प्रस्तुत करने लगे और छायावाद में एक और चित्रात्मक भाषा का भी प्रयोग हुआ था और लाक्षणिक भाषा प्रयोग छायावादी भाषा की यह दूसरी विशेषता थी कि जो चित्रात्मक भाषा प्रस्तुत करते थे वह लाक्षणिक भाषा के रूप में थी और इसे हम कह सकते हैं कि यह उनकी दूसरी विशेषता थी। भावों को लक्षणा द्वारा सूक्ष्म भावभूमि पर प्रकट करना, आगे मैंने कहा वैसे कि भावों को वे सूक्ष्म
लक्षणों से सॉरी भावों के लक्षणों को सूक्ष्म भाव से प्रकट करते थे और इनकी झलक हमें प्रसाद के आंसू में भी अत्यंत शक्तिशाली रूप में दिखाई देती है। अन्य है प्रतीक विधान। तो प्रतीक विधान जो है उसमें हम कह सकते हैं कि विशिष्ट अनुभूति और विशिष्ट अभिव्यक्ति पाकर ही यह अधिक प्रभावशाली बने। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि एक अनुभूति जो होती है विशिष्ट प्रकार की होती है और अभिव्यक्ति जो है वह भी विशिष्ट प्रकार की यहाँ पर होती थी और इसी कारण यह जो छायावादी काव्य है वह अधिक प्रभावशाली बना। छायावादी कवियों ने अपनी सूक्ष्म भावाभिव्यक्ति को के लिए यहाँ पर जो सूक्ष्म भाव की अभिव्यक्ति होती थी उसके लिए छायावादी कवियों ने जो प्रतीक चुने वे बेहद योग्य तरीके से चुने। उसका चुनाव उन्होंने एकदम योग्य तरीकों से किया और इन कवियों ने प्रतीकों के लिए भी कोई छुट पुट प्रयोग किए ऐसे नहीं है। योग्य प्रतीक चुनकर भी उन्होंने प्रतीकों का प्रचुर मात्रा में यहाँ पर प्रयोग किया। इनके कारण इन कवियों की भाषा प्रतीकात्मक बन गई। अब इन्होंने प्रयोग का प्रतीक का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया और इसी कारण इनकी जो भाषा है वह प्रतीकात्मक बन गई। सुख आनंद प्रफुल्लता यौवन काल आदि के स्थान पर उषा प्रभात मधुकाल प्रिया के लिए मुकुल प्रेमी के लिए मधु विषाद के लिए अंधकार आकुलता व क्षोभ के लिए झंझा तूफान ऐसे अलग अलग प्रतीकों के को प्रचुर मात्रा में उन्होंने प्रयुक्त किया और भावों को अधिक गूढ़ और भाषा को अर्थ सफर इन प्रतीकों ने बनाया। अब देखेंगे बिंब योजना। काव्य बिंब एक प्रकार से इंद्रिय शब्द चित्र है जो अलंकरण युक्त होता है जिसके संदर्भ में मानवीय संवेदना निहित होती है। छायावादी कवियों ने दृश्य बिंब श्रव्य बिंब आस्वाद्य बिंब ग्राह्य बिंब अनेक प्रकार के बिंबों की योजना से काव्य का श्रृंगार किया है। अब आएंगी लाक्षणिकता। यहाँ पर छायावादी काव्य शैली की अपनी विशेषता रही लाक्षणिकता। इसके द्वारा अमूर्त पर मूर्त तथा जड़ पर चेतन का आरोप करके काव्य सौंदर्य बढ़ाया गया। यह उनकी लाक्षणिकता थी। अब छंद योजना में वैविध्य। छायावादी कवियों ने छंद योजना में भी कलात्मक ऊंचाई का परिचय दिया। छायावाद में ने तुकांत अतुकांत आदि कितने ही प्रकार के कविताओं का प्रचलन करके हिंदी काव्य क्षेत्र में नूतन छंद प्रस्तुत किए। छंद में नादात्मक सुंदरता के कारण अधिकतर छायावादी काव्य में गेयता है जबकि महादेवी वर्मा के काव्य में गेयता अधिक मिलती है। अब सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि छायावाद एक कलात्मक आंदोलन और अभिव्यंजना की नई पद्धति है। इसे खड़ी बोली में खड़ी बोली के अनघट रूप को सुंदर बनाया है।
रहस्य सौंदर्य प्रेम वेदना और कल्पना जैसे सूक्ष्म भाव का छायावाद में स्थान है तथा वर्णन भी यहाँ है और स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता की यहाँ पर स्थापना की गई है और छायावाद भावगत और शिल्पगत दोनों प्रवृत्तियों पर अपनी श्रेष्ठता बनाए हुए है। यहाँ पर यह प्रश्न पूर्ण होता है।